सीएम योगी ने शिवपाल के लिए चुटकी, अखिलेश शिवपाल ने खोला मोर्चा, प्रसाद को चूरन बोलने पर भड़के, चाचा भतीजे ने सीएम योगी को सुनाया। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग जारी है, दलों की ओर से जीतने का दावा भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी में चूरन चल रहा है। इस चूरन को लेकर चाचा भतीजे मिल गए और सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार अभियान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव पर तंज कसा और कहा कि हमें तो उन पर दया आती है, वो अब चूरन खाने वाले व्यक्ति ही रह गए हैं। मुख्यमंत्री योगी के इसी बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, वहीं शिवपाल यादव ने भी उन पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने सीएम योगी के लिए कहा, ज्ञानी मुख्यमंत्री महोदय, भगवान सत्यनारायण की कथा के पश्चात चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है, पवित्र प्रसाद को चूरन कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। जहां तक चूरन खाने वाले व्यक्ति का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि इस चूरन खाने वाले ने बहुतों का हाजमा दुरुस्त किया है। सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है, वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूरण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूरण खाने वाले व्यक्ति रह गए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सीएम योगी के चूरन वाले बयान पर फायर हो गए। उन्होंने कहा, वसूली को चंदा कहने वाले अब प्रसाद को चूरन कह रहे हैं, कभी ये 46 में 56 वाली उल्टी गणित समझाते हैं, इनका सब कुछ उल्टा पुल्टा है, इसलिए इस बार जनता इनको उलटने पलटने जा रही है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, जनता सही पाठ पढ़ाने के लिए भाजपा की क्लास लेने को तैयार है, पहले चरण का लेक्चर हो चुका है, दूसरा सबक कल दिया जाएगा, आखिरी चरण आते आते जनता इनका पूरा इलाज कर देगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच कई राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में वो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर पहुंचे थे। मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव पर उन्होंने तंज कसा था। उन्होंने कहा, मुझे तो बेचारे शिवपाल यादव पर दया आती है, जैसे सत्यनारायण की कथा में एक यजमान होता है, वो कथा सुनाता है, बाद में अन्य लोगों को चूरन वितरित कर दिया जाता है, तो ये केवल चूरन खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, उसे आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर लिखें और इस खबर को शेयर कर सब्सक्राइब करें।